समन तुम्हें सलाह देने लगेगा, ठीक से चले। पंकज जी चंडीगढ़ से। महाराज जी आपके सत्संग में सुना है कि सब में भगवत भाव करें, महाराज जी इसमें बहुत कठिनाई आती है। भाई भगवत भाव करे क्या, जब हाई है तो भगवत भाव क्या करे। दीपावली में चीनी के खिलौने मिलते हैं, चीनी का घोड़सवार होता है, चीनी का घोड़ा होता है, उसमें कौन बड़ा छोटा हुआ है। चाहे घोड़े से शुरू करो खाला, चाहे घुड़सवार से शुरू करो खाला, चीनी ही है। खांड के बने खिलौने सब खांड के हैं, सोने के बने आभूषण, चाहे कलाई के पहनने के हो कंगन आदि, चाहे नथ हो, चाहे कान के कुंडल हो, चाहे हार हो, चाहे मुकुट हो। भाव कहने का अलग होगा, ये मुकुट है, ये कुंडल है, ये पायजेब है, ये है तो सोना है ना। ऐसे भाव कहने में, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दुर्गुणी है, ये दुराचारी, ये महात्मा है, ये सदाचारी, बात कहने के है तो एक ही ना, दूसरा नहीं है। अब इसको जान गए तो सा महात्मा सुदुर्लभा, तो ये दुर्लभ महात्मा पदवी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। अब हम कैसे सब बड़ा कठिन पड़ रहा, कठिन तो इसलिए पड़ रहा है ना कि आप अपना अस्तित्व अलग किए हुए हैं, इसलिए कठिन पड़ रहा है। अपने अस्तित्व को मिला दीजिए प्रभु में, तो आप भी देखोगे जो सब जगह है वो यहाँ भी है, जो सब में है वो यहाँ भी है। जब यहाँ है तो जानने वाला कौन हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही हो गया खत्म, क्या कोई कठिनाई नहीं। तो शरीरधारी बन के थोड़ी जान पाओगे, देह अभिमानी भगवान को थोड़ी जान पाता है, वो तो विषयों को जानता है, केवल भोगना, ये खाने की, सूंघने की, देखने की, जैसे पशु पर उतना ही ज्ञान रहता है। लेकिन सब में तत्व विराजमान है, ये तो केवल कोई विज्ञ महात्मा ही जान सकता है। इसके लिए साधन करना होता है, असाधनों का त्याग करके साधना में स्थित होकर, फिर साधन के अहंकार का भी त्याग करके अपना अस्तित्व मैं प्रभु में लीन कर दे। जान गया प्रभु को, जो जान गया सो प्रभु मैं हो गया, जो प्रभु मैं हो गया वो प्रभु को जान गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रभु मैं होता है या प्रभु को जानता है, पहले वृक्ष था कि बीज था इसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया। अगर कह दे कि नहीं पहले बीज, बीज के बिना वृक्ष कहां, तो बीज कहां से आया, बिना वृक्ष के बीज कैसे हो जाएगा। ऐसे ही पूरी मान लो और चल दो, किसी एक को मान लो, चाहे वृक्ष को मान लो, चाहे बीज को मान लो और चल दो, तो जान जाओगे, तर्क से ले जा पाओगे, तब भगवान ही है। ये बात जान गए तो जीवन मुक्त परमहंस हो गए, तो ये बात बहुत ऊंची है। इसलिए आप नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मुझे जना दो। सोई जाने जिस देव जलाए, वो जना देंगे, वो जब जना देंगे तो जानने वाला भी वही हो जाता है, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। एक आदमी नदी के पार हुए, 10 आदमी थे, बोले यार गिन लो कहीं कोई गिरा तो नहीं, बोले हाँ गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बोले एक कम है यार, तो बोले तुम गिनो, उसने 1, 2, 9, सब 9 गिने, बोले कम है। तो एक आदमी बाहर खड़ा देख रहा, बोले यार इसमें एक तो कोई गायब है, 9 है इसमें। तो भैया गायब नहीं, तुम अपने को गायब छोड़ रहे हो, तुम अपने को भी गिलो ला, उसमें तुम भी आए हो। बस हम अपने को जो छोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम सामने नहीं गिनती समझ पा रहे हैं। अगर अपना अस्तित्व मिला दें भगवान में, तो अभी समझ में आ जाएगी 10 के 10 ये पूरे हैं, सब जगह वही बैठे, दूसरा कोई नहीं। अलग रहकर प्रभु से जान नहीं सकते, संसार में रत रहकर संसार को नहीं जान सकते, और प्रभु से अलग रहकर प्रभु को नहीं जान सकते। संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हो, और प्रभु में आशक्त रत होकर प्रभु को जान सकते हो। हमारी गति दूसरी, संसार में रत है, प्रभु से बिलग है, तो इसलिए दोनों को ले जान पा रहे, ना संसार को जान पा रहे, ना प्रभु को जान पा रहे। डॉक्टर मनमोहन शरण जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री नवदा भक्ति प्रेमा भक्ति।